डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ का यूनिट 8 है, पेज नंबर 109 और 110 है। टॉपिक है हमारा मेयरमेंट। मेयरमेंट का उर्दू मीनिंग होता है पैमाइश करना, मापना। वैसे तो हम किसी चीज़ का की लंबाई मापते हैं, यानी कि लेंथ मापते हैं, किसी चीज़ का हम वेट मापते हैं, किसी चीज़ की हम कैपेसिटी मापते हैं, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि हमने पढ़ना है लेंथ, लेंथ को कहते हैं लंबाई, यानी कि सिर्फ चीज़ों की लंबाई मापनी है हमने, ठीक है। लेंथ में, लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर इसका छोटा यूनिट है, मीटर थोड़ा उससे बड़ा यूनिट है, और किलोमीटर इसका सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। अब सेंटीमीटर को हम, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर उससे बड़ा है, और किलोमीटर इसका सबसे बड़ा यूनिट है, किसका, लेंथ का, ठीक है। हमने ये देखना है कि हम चीज़ों की लेंथ को कैसे मापते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेंटीमीटर का। तो ये मैंने नीचे एक रूलर बनाया है, ठीक है। इस रूलर में देखें, 0 से लेके 1 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 0 से लेके 1 तक 10 लाइनें हैं। और ये 0 से लेके 1 तक हम ये जो लाइनें हैं इनको काउंट करते हैं, ये मिलीमीटर्स होती हैं, लेकिन 0 से लेके 1 तक ये बनता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम जब मापते हैं तो ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर हम इसको लिखते हैं। जब हम 0 से लेके 2 तक लाइन को मापते हैं किसी भी चीज़ की, मसलन यहाँ पर अगर 2 पॉइंट है, हमने इन दोनों को मापा है, तो ये 0 से लेके 2 तक आया, तो आप इसको 20 लाइन काउंट नहीं करेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर अगर आपने कोई और बड़ी चीज़ है उसको मापना है, तो वो 3 तक अगर जाएगी, तो आप ये छोटी लाइनें काउंट करके उसको ये नहीं कहेंगे कि ये 30 तक हो गया है। ये यहाँ तक कितना होगा, 0 से लेके 3 तक, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर होते हैं 100 तक, ठीक है। टोटल सेंटीमीटर होते हैं 100 तक। जब ये सेंटीमीटर 100 तक पहुँचते हैं तो ये बन जाता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल हो जाता है 1 मीटर के, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के। बच्चों समझ आइए आपको, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 1 मीटर के, ठीक है। जब ये सेंटीमीटर 100 तक पहुंच जाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये चीज 1 मीटर है, ठीक है। अब ये मीटर चलते हैं, इसी तरह जब ये मीटर जाते हैं 1000 तक, 1000 तक जाते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। के का मतलब होता है किलो, ठीक है। ये वाला जो के है इसका मतलब होता है किलो, ठीक है। और किलोमीटर यानी कि किलो कहते हैं हम 1000 को, ठीक है। इस के का मतलब होता है किलो, किलो हम कहते हैं 1000 को। 1000 मीटर इज इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। और किलो का मतलब आपको फिर यहाँ से पता चल जाता है कि ये 1000 होता है, तो इसलिए हम इस पूरे 1000 की जगह पे हम इस के को लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बुक पर आते हैं। बुक का पेज नंबर 109 है। इस पर आपको सेंटीमीटर को मेजर करना, मापना आ जाएगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। सेंटीमीटर में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। अब आगे हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, 6, 7, 8, हर 10 लाइंस के बाद, ठीक है। आपने काउंट यहाँ से कर सकते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो आपको समझ आ गई है, ये जो छोटा रूलर है ये स्मॉल वाला रूलर है, ठीक है। स्मॉल वाले रूलर पे 1 से लेके 15 सेंटीमीटर तक लाइनें होती हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम cm लिखते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखें, ये क्लिप है एक, इसकी लेंथ उन्होंने क्या मेजर की है, 3 सेंटीमीटर। तो देखें, हमने जब इसको इधर रखा तो ये ऊपर इसके 3 आ रहा था, तो हमने इसको लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब आगे ये नंबर बी पे हमारे पास पेंसिल है। हम देखेंगे कि पेंसिल को बिल्कुल स्केल को सीधा रखेंगे और देखेंगे कि पेंसिल की जो ये नोक है यहाँ तक कौन सा नंबर आ रहा है। तो आपको ऊपर कौन सा नंबर नज़र आ रहा है बच्चे, 7 सेंटीमीटर, 7 नंबर नज़र आ रहा है। और cm क्या है, सेंटीमीटर को हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आगे है ये टूथब्रश, टूथब्रश को हम रखेंगे ऐसे
और देखिए इसके ऊपर कौन सा नंबर नज़र आ रहा है आपको, 9 नज़र आ रहा है। और हम लिखेंगे ये कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसी तरह बच्चे आप कैंडल को मापें और ये पेंट ब्रश को मापें और ये क्लिप ये पिन को आपने मापना है। माप के आपने इधर इनकी लेंथ लिखनी है और आपने एक टीचर को एक फ़ोटो बनाना है इसका और फिर सेंड कर देना है टीचर को, ठीक है, CW के लिए। ओके।